दुर्ग निगम के तीसरे संपत्ति कर घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में तथा आरटीआई प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह की उपस्थिति में दुर्ग नगर निगम के तीसरे संपत्ति कर घोटाले की शिकायत दुर्ग निगम आयुक्त से की गई। इस दौरान डॉक्टर एस के अग्रवाल ने बताया कि पिछले 8 महीनों में संपत्ति कर में घोटाले का ये तीसरा प्रकरण है जो हम आपकी जानकारी में ला रहे हैं। पिछली शिकायतों के बाद भी निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने में कोई भय नजर नहीं आ रहा है। वहीं बताया कि ये मामला दुर्ग निगम वार्ड 30 समीरपारा MSIN कंपनी का है, जिसमें भवन का साइज 2613 वर्ग फीट है। दस्तावेज बताते हैं कि 2019-20 में संपत्ति कर तथा अन्य करों को मिलाकर 60,900 रुपए का भुगतान निगम ने भवन मालिक से लिया, लेकिन वर्ष 2020-21 व 22-23 में संपत्ति कर लेने में भ्रष्टाचार किया गया। इन 3 वर्षों का कुल संपत्ति कर तथा अन्य कर मिलाकर 44,184 रुपए लिए गए, जिस पर सवालिया निशान लगाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग मेहरबान सिंह ने बताया कि वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर की रसीद कमर्शियल के हिसाब से ली गई थी, लेकिन वर्ष 2020-21 तथा 21-22 और साथ ही 22-23 इन 3 वर्ष की संपत्ति कर आवासीय भवन बताकर ली गई। इस प्रकार से निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने यूजर्स चार्ज में गड़बड़ी की है। वहीं एक कमर्शियल भवन को रेसिडेंशियल भवन बताकर भवन मालिक को लाभ पहुंचाया गया तथा मिल बांटकर भ्रष्टाचार किया गया। निगम के राजस्व को लाखों रुपए की हानि पहुंचाई गई, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में डॉक्टर एस के अग्रवाल ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। आज दुर्ग नगर निगम आयुक्त को संपत्ति करके घोटाले की शिकायत देने आई थी, जिसमें मुख्य रूप से कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी करके शो करके लाखों रुपए का चूना लगाया गया। ऐसा ये तीसरा प्रकरण है। आने वाले समय में और भी हम लोग ऐसे प्रकरण यहाँ पे ला करके शिकायत करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले जो प्रकरण दिए हम लोगों ने उनका कुछ अंत नहीं हुआ, सबको दबा दिया गया। ऐसे ही इस प्रकरण की भी हालत क्या होगी, ईमानदारी से जांच होगी नहीं होगी, इसी विषय को लेकर के हम लोग आज आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और उम्मीद है हमको सब भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं। आयुक्त से लेकर के नीचे तक सब एक दूसरे को संरक्षण सबका हिस्सा बटा हुआ है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी हमको उम्मीद है। दुर्ग नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमने पहले कई बार कहा है, लगातार संपत्ति कर मामले में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अभी रिसेंटली एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने में आया है, जिसमें वार्ड नंबर 30 समीरपारा में MSIN कंपनी के नाम से पिछले 2020 में उनका संपत्ति कर 60,000 रुपये करीब था, लेकिन अभी पिछले 3 साल से 21-22 और 22-23 का संपत्ति कर 40,000 रुपये 42,000 रुपये में उनको निपटाया गया है। यह कमर्शियल ज़मीन है जिसका क्षेत्रफल 2613 स्क्वायर फीट है, लेकिन अधिकारियों ने व्यापारी के साथ मिलकर साठ गांठ करके उसमें संपत्ति कर में अगर 3 साल का देखा जाए तो 1,80,000 रुपये होता है, जिसको 40-42,000 रुपये निपटाया गया है। इस प्रकार से नगर निगम को करीब करीब 1,20,000 1,30,000 रुपये का चूना लगाया गया है। इसी की शिकायत करने आज हम नगर निगम आए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।